नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रकाश और आज हम एक और भजन लेकर आए हैं। बहुत पुराना भजन है और बहुत ही ज़बरदस्त भजन है। तो आइए, श्री राम जी का भजन है। ई नोट से मैंने प्ले किया है, ये मेरा सा है, बाकी इसमें सभी शुद्ध स्वर इस्तेमाल होंगे। एक जगह पर अंतरा में इसमें नी कोमल का इस्तेमाल होगा, तो नोटेशन मैं आपको बता देता हूँ। सा नी सा रे गा कुछ लोगों का कहना रहता है कि कमेंट्स करके लोग बोलते हैं कि सर आप हमें हमेशा सी शार्प से ही बताइए। साथियों, सी शार्प से अगर प्ले करने में कोई मुझे असुविधा नहीं है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है क्योंकि भजन को जब हम उसके मूल स्केल में, जो उसके ओरिजिनल स्केल में नहीं गाएंगे, तो वो भजन बेकार लगता है सुनने में और सुनने वाले को लगता है कि गलत बता रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि भजन के जो भी गाना या भजन है उसको मैं ओरिजिनल स्केल में बताऊँ, क्योंकि जो भी सुनने वाले हैं वो फिर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, उनको लगता है कि गलत बताया है। जबकि हम अगर उसका स्केल चेंज करके बताते हैं तो वो सीखने के दृष्टिकोण से बताते हैं। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी भजन हैं या जितने भी नोटेशंस हैं, मैं आपको उनके ओरिजिनल स्केल में ही बताने की कोशिश करूँगा, ताकि सुनने वाले को गंदा ना लगे, अच्छा ही लगे। तो यही कारण है कि अब इसको मैं ओरिजिनल स्केल से ही बजा रहा हूँ, नहीं तो सी हिसाब से मैं प्ले करता, लेकिन क्योंकि वो बैठेगा नहीं ठीक से, भद्दा लगेगा। और आप भी कोशिश करिए कि भजन को उसके ओरिजिनल स्केल में ही गाने का प्रयास करें, क्योंकि लोगों के भजन सुने हुए होते हैं, जब आप उनका स्केल चेंज करते हैं तो उनको पसंद नहीं आते और वो फिर आपकी गायकी में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें, अधिक से अधिक रियाज करें और उसके ओरिजिनल स्केल में ही गाने का प्रयास करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपसे एक विशेष अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आइए सुनिए ये प्यारा सा भजन की नोटेशन। ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, देखो पास से सीधा, ओ मैया धाका कोमल कण लेते हुए, ओ मैया देखो, ओ मैया, चाहे तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ओ मैया, लेकिन अच्छा बनाने के लिए कण स्वरों को थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, ओ मैया पापा पादा पा पादा पा मगरे सा पादा पा मगरे सा नी सा, ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, वन में भेजे दो भाई, ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, वन में भेजे दो भाई भेजे दो भाई। देखो ओ मैया, देखो ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, वन में भेज दो भाई भेज दो भाई, देखो भेज दो भाई वनन में, यहाँ पर कोमल नी का इस्तेमाल हो रहा है, भेज दो भाई वनन में भेज दो भाई, ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, वन में भेज दो भाई। देखो
ननु में भेज दो भाई, वो मैया बड़ा जुलम करे लाला, वननु में भेज दो भाई। देखो दो तरह का इसमें चढ़ा पैटर्न में, तो चढ़ा में क्या करेंगे हम, सीधा माँ से भेज दो भाई, वननु में भेज दो भाई, ओ मैया बड़ा जुलम करे डाला, वननु में भेज दो भाई। अंतरा पैटर्न पर आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई। देखो आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई, हर बीच बीच में चले जानकी, बीच बीच में चले जानकी, राजा जनक की जाई। देखो बीच बीच में चले जानकी, बीच बीच में चले जानकी, राजा जनक की जाई, वो मैया बड़ा जुलम कर डाला, वनन में भेज दो भाई, ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, वन में भेज दो भाई, भेज दो भाई, वनन में भेज दो भाई, ओ मैया बड़ा जुलम कर डाला, वनन में भेज दो भाई। तो साथियों ये थी इसकी नोटेशन और मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। कैसा लगा ये भजन आपको, पुराना भजन, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के भजन आप तक फिर आसानी से हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।